मैंने अपने सारे आजा अल्लाह करे कि मुझे इज्जत की मौत मिले। तो जैसे ऐसा कोई वाक़ होगा तो ये फौरन मेरे आगे निकाल लेंगे जाकर। ज़ाहिर बॉडी खराब नहीं होगा, बॉडी सामने का जो नजर आने वाला और जो पैकर है वो उसको तकलीफ नहीं होगी। ये अंदर की चीज़ें कोई 17 चीज़ें निकलेंगी जिससे 17 लोग जिंदा रह सकेंगे। इन दोस्तों से भी कह रहा हूँ कि अगर कहीं ऐसा हो जाए तो रोने पीटने का वक्त बहुत होगा। पहले तो आप उन्हें इतना करें क्योंकि उसमें टाइम होता है, एक दौरानिया होता है, 15-18 घंटे और 10 घंटे और 12 घंटे के अंदर ही वो चीज़ें निकाली जा सकती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी डेड होना शुरू हो जाती है। तो मैं ये बयान कर रहा था, मकाला भी हमने लिखा कराची यूनिवर्सिटी में, मकाला छापा है मुफ्ती मुनीर रहमान साहब का, मुफ्ती शिरानी साहब का जो इस्लामी रियाती काउंसिल के चेयरमैन थे, बलोचिस्तान के बुजुर्ग मुफ्ती का है और मेरा मकाना है। तो उस मकाने तो एक जगह को हमने दिया तो एक साहब ने उसे पढ़ने के बाद कहा कि मौलाना अगर समझो है मैं उन पे रखकर कुछ यहाँ बैठे हुए लोगों की तर्जुमानी भी कर रहा। तो एक साहब कहने लगे कि अगर मेरा गुर्दा किसी हिंदू को लग गया तो क्या हो। एक और की आवाज आई कहने लगे मेरी आंखें अगर किसी सुन्नी को लग गई तो क्या होगा। एक ने कहा मेरा दिल अगर किसी यहूदी को लग गया तो क्या होगा। तो मैंने सारे सवालों का एक जवाब तो ये दिया कि जो घुटे हुए दिमाग का होता है वो शिया नहीं होता, तक नजर शिया नहीं होता। ये छोटी सोच रखना कि मेरा गुर्दा फला तो लग गया, ये तुम्हारा था क्या, ये तुम्हें अल्लाह ने दिया था। तुम देख तुम अपने इख्तियार से लेकर आए, वो भी अल्लाह की मखलूक है। जो अली के मानने वाले हो, जुमला सुने, जो उस अली के मानने वाले हो जो 70 नस्लों के बाद मोमिन को देखकर बंदा छोड़ देता हो, उसके चाहने वाले ये कहेंगे कि मेरा कुर्ता अगर उसको लग गया तो क्या होगा। तुम अपने आजा उसे लगा दो, उसकी नस्ल में मौला ही आ जाएगा। Oh.